तो दोस्तों आज वीवो प्रो कबड्डी में दो मैच हुआ, तो दोनों मैचों के बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होता है तो उसमें किसको क्या अवार्ड दिया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो पहला मैच बंगाल रॉयल्स और यूपी योद्धा के बीच टाई रहा, तो इसी मैच में वीवो परफेक्ट प्लेयर ऑफ द मैच बने मनिंदर सिंह। मनिंदर सिंह को प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। आज मनिंदर सिंह ने फिर से एक बार बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, उन्होंने आज 24 रेड में 18 रेड पॉइंट ले आए 75 के स्ट्राइक रेट से। ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच बने रोहित तुमर, जिनको 25,000 रुपये प्राइज के थ्रू दिया गया। आज उन्होंने लगातार 4 बार ऑल आउट बचाए यूपी योद्धा के लिए, टोटल 87 फैंटेसी पॉइंट ले ड्रीम इलेवन में। दफा न्यूज मोमेंट ऑफ द मैच मिला सुमित सांगवान को, जिन्होंने आखिर में मनिंदर सिंह को टैकल किया, डुअर डायरेक्ट में इस मैच को टाई कराया। उनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं उन्होंने डैश करके ये पॉइंट दिया था। सेकेंड मैच दबंग दिल्ली और तेलुगु टाइटन्स के बीच हुआ, इसी मैच को दबंग दिल्ली ने जीत लिया। तो इस मैच में परफेक्ट प्लेयर ऑफ द मैच बने आशु मलिक, जिन्होंने आज बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया रेडिंग के साथ। उनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। आज उन्होंने टोटल 12 रेड पॉइंट लिया 67 के स्ट्राइक रेट से। ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच बने विशाल लठाड़, जिनको प्राइज मनी के थ्रू 25,000 रुपये दिया गया। आज उन्होंने सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट लिया ड्रीम इलेवन में, उन्होंने 131 फैंटेसी पॉइंट लिया, इसी वजह से उनका अवार्ड दिया गया। तो आखिर में आता है विजुअन इलेवन मोमेंट ऑफ द मैच मिला आशु मलिक को, जिन्होंने आखिर में जब 1 मिनट बाकी था उन्होंने एक मल्टी पॉइंट रेड किया जिसमें उन्होंने 4 पॉइंट लिया, तो इसी वजह से उनके अवार्ड दिया गया। और उन्होंने एक डुबकी लगाकर 3 पॉइंट लिया था। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।